तो गाइस अब मैं सबसे खतरनाक टेस्ट करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो वर्किंग आईफोन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। अभी मैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला हूँ ड्रॉप टेस्ट को, और अभी मैं इसको थ्रो करने वाला हूँ। सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे दिल की धड़कने थोड़ी तेज हो रही है, पर कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। 1 2 3। तो गाइस फोन हमने फेंक दिया है। गाइस ये है मेरे पास iPhone 13। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे परचेज किए हुए, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे लेना था अच्छा टेम्पर ग्लास और केस और लेंस प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो टोटम के केसेस और टेम्पर ग्लास और लेंस प्रोटेक्टर है, इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने खुद काफी सारे रिव्यू देखे, काफी सारी फीडबैक्स देखी, काफी सारे क्रिएटर ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं अपने iPhone का, तो क्वालिटी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मैंने जो फीचर्स देखे वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैं अपने iPhone 13 का ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूं, देखते हैं क्या ये सरवाइव कर पाता है या फिर नहीं। आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आईफोन है, कोई डमी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप यहां पर चेक कर सकते हो, अभी इसकी बैटरी हेल्थ भी 100% है। यहां पर सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देता हूं, iOS 16.5 पे लेटेस्ट पे ये अभी रन कर रहा है, और यहां पर आप देख सकते हो iPhone 13 ये ओरिजिनल है। यहां पर मेरे पास जो केसेज है वो आपको दिखा देता हूं। पहले तो हमारे ये क्लियर केसेज है, ये पर्पल कलर में है, और दूसरा ब्लैक है, और तीसरा हमारा मैक्सेफ वाला क्लियर केस है, और चौथा हमारा एक सिलिकन केस भी है। ये 10 फीट ड्रॉप टेस्टेड है, और ये टेम्पर्ड ग्लास है, काफी कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा आपको बताता हूं, और लास्ट में लेंस प्रोटेक्टर भी है। ये जो 10 फीट ड्रॉप टेस्टेड है, हम भी इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे। मुझे काफी ज्यादा डर है अपना कि आईफोन टूट ना जाए, और मैं भी ट्राई करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले टेम्पर ग्लास लगाते हैं अपने फोन के ऊपर। ये एंटी स्क्रैच डस्ट प्रूफ आर्मर टेम्पर ग्लास है, शॉक रेजिस्टेंस, सुपर स्क्रैच रेजिस्टेंस, HD क्लेरिटी, स्मूथ टच, बबल फ्री, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस, और यहां पर मैंने देखा कि एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी भी यूज की है इन्होंने, और एज प्रोटेक्शन, आपको सारे तरह की प्रोटेक्शन ये दे देता है, और ओलेफोविक कोटिंग भी है इसमें, मतलब जब आप टच करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है रजिस्टर फॉर लाइफ टाइम वारंटी, तो यहाँ पर लाइफ टाइम वारंटी, भाई क्या बात है। तो इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ, काफी अच्छी पैकेजिंग दे के रखी है। हे यू, तो गाइस ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, और यहाँ पर ये रहा हमारा टेम्पर ग्लास, और साथ में स्क्रीन प्रोटेक्टर एक्सेसरीज, मतलब क्लीनिंग किट होगी ये। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है, और रिफ्लेक्शन नहीं है, और टच करने पर काफी ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पर एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो आप देख सकते हो साइड में आईफोन 12 के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा है, पर ये नॉर्मल वाला है, तो यहाँ पर लाइट्स का रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ना के बराबर है। तो अभी मैं अपने आईफोन 13 के ऊपर इसे अप्लाई करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर टेम्पर ग्लास लग चुका है, काफी अच्छा है इसका एक्सपीरियंस, टच वगैरह काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और स्मूथ एक्सपीरियंस है जब आप टच करोगे। और एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पर स्टूडियो की सारी लाइट्स ऑन है, फिर भी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम है। टेम्पर ग्लास के बाद अब बारी है हमारे लेंस प्रोटेक्टर की, तो यहाँ पर हम आर्मर ग्लास लेंस प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं, ये भी टोटम का ही है। यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्शन, स्क्रैच रेसिस्टेंस, डस्ट एंड वाटर डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, और इसमें भी हमें लाइफ टाइम वारंटी दी गई है, और यहाँ पर काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो पहले मैं एक काम करता, एक फोटो क्लिक करता हूं बिना लेंस प्रोटेक्टर के, और फिर बाद में लेंस प्रोटेक्टर के साथ में भी एक फोटो क्लिक करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। और ये भी हमारा एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, रजिस्टर फॉर लाइफ टाइम वारंटी। तो गाइस कुछ इस तरह का है ये, और यहाँ पर भी हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर एक्सेसरीज मिलती है। तो पहले मैं कैमरा लेंस को क्लीन कर देता हूँ अच्छे से, और पहले मैंने क्लीन किया था जो मैंने फोटो क्लिक किया है तब भी, तो हमारा लेंस अच्छे से क्लीन हो चुका है, और अभी बारी है लेंस प्रोटेक्टर को अप्लाई करने की। तो गाइस अप्लाई हो चुका है, काफी इजी था इसे अप्लाई करना, और काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये जो रिंग है ये भी ब्लू कलर की है, तो यहाँ पर कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे काफी सारे, जिस भी कलर का आपका आईफोन है वैसे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बात तो नोटिस की, फोन अब काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है पहले से, और लेंस भी थोड़े बड़े लग रहे हैं। तो अभी मैं कैमरा ओपन करके एक और फोटो क्लिक कर रहा हूँ सेम ही डायरेक्शन में। गाइस यहाँ पर दो फोटो हमने क्लिक कर दी है, और ये हमारा लेंस प्रोटेक्टर के साथ में, अगर मैं जूम करके देखूँ तो यहाँ पर डिटेल तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर सेम ही क्लियरिटी देखने को मिल रही है लेंस प्रोटेक्टर के साथ में भी और लेंस प्रोटेक्टर के बिना, तो मतलब काफी अच्छा लेंस प्रोटेक्टर है। मैं आपको डेफिनेटली इसे रिकमेंड कर सकता हूं, आपके फोन के लेंसेज भी बचे रहेंगे और क्वालिटी में भी कोई लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। अब गाइस बारी है केस की, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर क्लियर केस है मेरे पास, तो यहां पर एक है हमारा पर्पल कलर में, तो ये आप देख सकते हो काफी ज्यादा कूल दिखने वाला केस है ये, और इसमें भी यहां पर आप देख सकते हो रजिस्टर फॉर लाइफ टाइम वारंटी, और यहां पर मैं देख रहा हूं अंदर एल्युमिनियम बटन्स करके कुछ यहां पर है,
तो गाइस यहाँ पर हमें अलग से बटन्स भी मिल जाते हैं और ये एल्यूमिनियम के हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं और ये है भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में, ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, पर्पल कलर है, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और ये जो ऑलरेडी लगे हैं ये पर्पल कलर में है और इसी तरह से ये दूसरा हमारा ब्लैक कलर में है, इसे भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम बटन्स मिल जाते हैं और ये कुछ इस तरह का लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है ये जो कलर शेड में आते हैं ये येलो नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा टाइम बाद जो ट्रांसपेरेंट केस होते हैं वो कलर चेंज कर देते हैं अपना, येलो हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको लाइफ टाइम वारंटी भी मिल रही है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इंपैक्ट प्रोटेक्शन थिन एंड लाइट वेट है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्क्रीन एंड कैमरा और आपके मैक्सेफ चार्जिंग डिवाइस के लिए कंपैटिबल है ये। हालांकि यहाँ पर मैक्सेफ रिंग नहीं मिलती है, इसके लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा मैक्सेफ वाला, और वायरलेस चार्जिंग ये फिर भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पर्पल वाला अपने आईफोन के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये मैंने अपने iPhone 13 के ऊपर अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर अभी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है हमारा iPhone, लेंस प्रोटेक्टर लग चुके हैं, केस लग चुका है, बटन काफी ज्यादा क्लिकी है और यहाँ पर फिट एंड फिनिश भी मैं काफी अच्छी कहूंगा और स्क्रीन के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है, मतलब आपकी स्क्रीन को ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगा। और जो कटआउट्स दे के रखे हैं ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, वॉल्यूम अप डाउन बटन भी अच्छे से वर्क कर रहा है और अलर्ट स्लाइडर भी आप यूज कर पाओगे इजिली। तो अब बारी है इसका ड्रॉप टेस्ट करने की, अब इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं पहली बार किसी iPhone का ड्रॉप टेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिल की धड़कने मेरी तेज हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हो वर्किंग आईफोन है और अभी मैं आपके सामने फेंकने वाला हूँ और मैं इसे अपने हाइट के बराबर फेंकने वाला हूँ, 5 feet का हूँ मैं लगभग। पहले मैं इसकी बैक साइड रखने वाला हूँ नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, तो अभी मैं फेंकने वाला हूँ। 1 2 3 ओ माई गॉड, बहुत गंदे तरीके से गिरा ये। तो यहाँ पर अभी देखते हैं अपने आईफोन को क्या हाल है इसके। तो गाइस यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इम्पैक्ट लग रहा है इसके केस में, पर ये बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा जैसा निशान पड़ा है बस, और ये भी साफ करते ही हट गया। तो फोन यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फोन खराब नहीं हुआ हमारा। तो अभी मैं फ्रंट साइड रखता हूँ, एक बार फिर से फेंकते हैं। तो गाइस अभी मैं स्क्रीन साइड नीचे की तरफ रख रहा हूँ, तो सेम ही हाइट रखने वाले हम और मैं फेंकने वाला हूँ। 1 2 3 Oh my God, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत जोर की आवाज़ आई है, मेरे को डर लग रहा है भाई, भाई टूट गया होगा ना कहीं, बहुत सारे डस्ट लगी है आईफोन के ऊपर, यहाँ पर पूरा ये स्क्रीन की साइड से गिरा, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। और ये अभी मैं सिर्फ क्लियर केस यूज कर रहा हूँ टोटम का, मतलब भाई आपके आईफोन को प्रोटेक्ट तो ये कर देगा, डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। तो मतलब मैं वीडियो देख रहा था और क्रिएटर्स की, तो सच्चे में भाई कुछ तो बात है टोटम में, कुछ तो अलग कर रहा है। तो अभी मैं ब्लैक कलर वाला केस लगाता हूँ और उसके बाद फेंकते हैं। तो गाइस इस बार मैंने ये ब्लैक कलर का क्लियर केस लगा दिया है, तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं फेंकने वाला हूँ, उछाल के फेंकते हैं अपने आईफोन को और अभी मुझे सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो 1 2 3 गाइस बहुत गंदे तरीके से गिरा ये। अभी मैं इसे उठा रहा हूं और कोई कट नहीं लगेगा वीडियो में, कैमरा ओपन हो गया फोन का और यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ ये, और मेरी दिल की धड़कनें भाई बढ़ चुकी हैं और फोन को कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई अभी मेरे दिल के ऊपर हाथ रखेगा ना, सच में बहुत जोर से ये धड़क रहा है। तो अभी मैं केस को निकालता हूँ और एक बार देखता हूँ क्या पता अंदर से कोई इम्पैक्ट पड़ा, पर यहाँ पर केस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, केस भी बिल्कुल सही है, फोन को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचा है, आप देख सकते हो किसी भी एंगल पे कोई डैमेज नहीं है, फ्रंट बैक कहीं भी कोई स्क्रैच और कुछ भी नहीं। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल क्लियर केस यूज किया था, अभी मैक्सेफ वाले भी ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे 10 feet प्रोटेक्शन वाला है उसे भी ट्राई करेंगे, थोड़ा एडवांस टेस्ट करूंगा मैं। तो यहाँ पर इसमें भी हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं और वारंटी वगैरह भी हमें सब कुछ मिल जाती है। और इसे अनबॉक्स करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें एल्यूमिनियम के बटन से अलग से मिल जाते हैं, लाइफ टाइम वारंटी कुछ इस तरह का है ये, और ये बिल्कुल ब्राइट है, ट्रांसपेरेंट है, इसका लॉन्ग टर्म यूज करके पता चलेगा क्या ये येलो होता है या फिर नहीं। तो इसे मैं डायरेक्ट अपने आईफोन के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो ये मैंने अपने आईफोन के ऊपर अप्लाई कर दिया, काफी इजीली ये लग गया और बटन्स इसके भी काफी क्लिकी हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हटा देते हैं, तो लुक तो काफी अच्छी आ रही है इसकी मैक्सेफ, और एक काम करते हैं मैक्सेफ ट्राई करते हैं, तो मैक्सेफ के साथ में लगा के देखते हैं। तो यस गाइस मैक्सेफ भी वर्क कर रहा है और काफी सॉलिड है, ये आप देख सकते हो। और अभी लास्ट में हमारे पास है ये एक सिलिकन केस बचा हुआ है, ये भी काफी अच्छा है, 10 feet ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ में आता है, ये आप देख सकते हो, 10 feet ड्रॉप प्रोटेक्शन, थिन एंड लाइट वेट, डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्क्रीन एंड कैमरा, एंड आपके मैक्सेफ में वर्क करता है और इसमें भी हमें वारंटी मिल जाती है लाइफ टाइम की। तो इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ, तो ये रहा, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ पर लाइफ टाइम वारंटी रजिस्ट्रेशन। और अगर आप इस केस को देखोगे तो अंदर से बहुत सॉफ्ट मटेरियल यूज किया है, मतलब जैसे आप इसे पकड़ोगे तो आपको
पता लग जाएगा कि भाई बेस्ट क्वालिटी है ये, बेस्ट क्वालिटी। यहाँ पर बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया है। तो एक काम करता हूँ, अभी अपने आईफोन के ऊपर इसे अप्लाई करता हूँ। तो ये गाइस मैंने अपने आईफोन के ऊपर अप्लाई कर दिया है ये ब्लू कलर में, और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट ब्लू कलर है। इसकी प्रोटेक्शन काफी ज्यादा अच्छी है, काफी बाहर तक निकला है, मतलब स्क्रीन आपकी प्रोटेक्ट रहेगी और कैमरा लेंस भी प्रोटेक्ट रहेंगे। और बटन क्लिक करके देखते हैं, काफी अच्छे रिस्पॉन्सिव है। अलर्ट स्लाइडर भी देख लेते हैं, एक उंगली से हम इसे यूज कर पा रहे हैं। और क्या चाहिए, कटआउट्स बिल्कुल प्रॉपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीकर के लिए, तो चार्जिंग पोर्ट के लिए जो कटआउट्स है वे बिल्कुल परफेक्ट है। 10 फीट ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अभी मैं भाई खतरनाक तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने ड्रॉप टेस्ट किया बहुत मजा आया, मतलब बहुत डर लग रहा था, पर अभी करते हैं भाई खतरनाक तरीके से ड्रॉप टेस्ट। तो गाइस मैं रेडी हूँ और यहाँ पर मैं चेयर के ऊपर खड़ा हो चुका हूँ, और 10 फीट है पूरी हमारे रूम की हाइट, ऑलमोस्ट 9 फीट से ऊपर मैंने कर दी अपना आईफोन। गाइस मैं अभी अपने दूसरा कैमरा भी ऑन कर रहा हूँ और फेंकने वाला हूँ। तो पहले मैं स्क्रीन साइड से फेंकने वाला हूँ, और अब गाइस मेरी दिल की धड़कन जो है वो तेज हो चुकी है। तो फेंकते हैं अभी अपने आईफोन को, 1 2 3। ओ माय गॉड, 2 3। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये बहुत गंदे तरीके से गिरा, बट अपने आईफोन को कुछ भी नहीं हुआ, केस को भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। यहाँ पर थोड़ी बहुत डस्ट लग गई और आईफोन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस अभी तक आपने एक बात नोटिस की, टेम्पर्ड ग्लास पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है भाई, टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं टूटा। इतना गंदे तरीके से हम इसे फेंक रहे हैं, देखो फेंक दिया, ये देखो गाइस, ये देखो फुटबॉल खेल लेते हैं गाइस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है ना ये, मतलब भाई प्रॉपर अच्छे से टेम्पर ग्लास कुछ नहीं हुआ, केस फोन हमारा बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पर अभी एक काम करते हैं, थोड़ा और खतरनाक टेस्ट करते हैं, तो बाहर चलते हैं। तो गाइस अब मैं सबसे खतरनाक टेस्ट करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो वर्किंग आईफोन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, और अभी हमने ड्रॉप टेस्ट किया था इसका, और अभी मैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला हूँ ड्रॉप टेस्ट को। तो ये मेरे हाथ में आईफोन है, ये आप देख सकते हो प्रॉपर एक न्यू आईफोन है ये, iPhone 13। और यहाँ पर हम टोटम का केस यूज कर रहे हैं, और टेम्पर ग्लास और लेंस प्रोटेक्टर टोटम का, और अभी मैं इसको थ्रो करने वाला। सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे दिल की धड़कने थोड़ी तेज हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, 1 2 3। तो गाइस फोन हमने फेंक दिया है और बहुत दूर तक गिरा ये, और यहाँ पर फोन का टेम्पर्ड ग्लास टूट चुका है, हो गया जिस बात का डर था वो हो गया, गेस आईफोन 13 भाई। तो अब स्टूडियो चलते हैं, देखते हैं कितना डैमेज पहुंचा है। तो गाइस अब स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं, हमने अल्टीमेट ड्रॉप टेस्ट कर दी है अपने आईफोन का। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो केस की क्या हालत है, बस डस्ट लग गई है केस में, तो बाकी केस में कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, पर टेम्पर्ड ग्लास टूट चुका है या फिर स्क्रीन टूटी है वो देखने वाले हैं अभी। मेरे को डर लग रहा है सच में, अब स्क्रीन टूटी होगी तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं इस टेम्पर्ड ग्लास को निकालने वाला हूँ, वैसे बहुत बार ये गिरा पर फिर भी सेफ रहा। तो अभी गाइस टेम्पर ग्लास मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पर मैं डस्ट साफ करता हूँ। गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है हमारी स्क्रीन को, गाइस गाइस मतलब मैं बता रहा हूँ गाइस, मतलब बहुत गंदे तरीके से फेंका मैंने, आपने खुद देखा मतलब, और उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। टेम्पर ग्लास को तो टूटना बनता है, ये आप देख सकते हो किसी पत्थर के ऊपर गिरा था, ये बहुत नुकीले पत्थर के ऊपर, तब भी आप इम्पैक्ट देख सकते हो, यहाँ पर कॉर्नर पे पड़ा था तो थोड़ा सा इम्पैक्ट गया है बाकी जगह पर, तो फोन हमारा बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कहीं पर भी आपको कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा, बैक साइड बिल्कुल ओके और फ्रंट साइड भी बिल्कुल ओके, परफेक्ट A1 कंडीशन। गाइस सच बताऊं तो ये जो लास्ट टेस्ट मैंने किया, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ एकदम से, कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कर देते हैं। 10 फीट की प्रोटेक्शन ये केस देता है, आपने देख लिया, हमें तो चुल मची रहती है, तो हमने 30-40 फीट सीधा थ्रो कर दिया, उसके बाद भी भाई बच गया। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप अपने स्मार्टफोन की सेफ्टी चाहते हो और अच्छा दिखने वाला अच्छा क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास केस और लेंस प्रोटेक्टर लेना चाहते हो, इन सभी के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंट कोड मिलता है तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अपने फोन की प्रोटेक्शन के लिए आप आंख बंद करके ये ले सकते हो, क्योंकि आईफोन की प्रोटेक्शन काफी जरूरी है। आपको पता ही है अगर बैक पैनल टूट जाता है तो फिर आपके कितने सारे पैसे लग जाएंगे। अगर आप लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहे हो तो 60-70 हज़ार तक का बैक पैनल ही पड़ता है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपके पास आईफोन 12, 13, 14, आईफोन 11 कोई भी है, सभी के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज करना, और मेरे हिसाब से आपके पास ये होना चाहिए। अभी मैं अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए भी कुछ और टोटम के केस मंगवाने वाला हूँ, फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, और जो हमारा ये क्लियर केस है इसको भी देखेंगे, ये येलो होता है फिर व्हाइट ही रहता है। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं बोलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।